रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज 58। क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स इक्वेशन। आंसर, प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यू कैन सी हियर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट फॉर्म्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये 6 जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन 24। इसको बैलेंस करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर हैं और आगे ग्लूकोज बनेगा और प्लस 6 ऑक्सीजन निकलेगी, जिससे जो रेस्पायर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस इक्वेशन में आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इट फॉर्म्स ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर। ये नंबरिंग जो की हुई है इसको बैलेंस करने के लिए है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल, और इसमें ऐड होगी लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये सारा प्रोसेस होगा और ग्लूकोज बन गया C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी चीज़ें बनती हैं। आंसर इज ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये जैसे पहली इक्वेशन में आपने देखा है कि इसमें रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और जो प्रोडक्ट बनती हैं वो देखें ग्लूकोज है, C6H12O6 और वाटर है, और इसके अलावा ऑक्सीजन है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।